नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह एक वीडियो में बताया था कि योगी सरकार जो शिक्षक साथियों की पहल करने जा रही है, उस संदर्भ में एक डिस्ट्रिक्ट ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। शिक्षक साथी, आपको पता ही है कि ये 60 वर्ष 62 वर्ष की जो सेवाएं दे चुके हैं शिक्षक, जो रिटायरमेंट हुए हैं, उनकी भर्ती का प्लान जो है योगी सरकार ने शुरू किया है। और ये भर्तियां आपको बता दें कि पूर्व विद्यालयों में भी लागू होगी और पर्षदीय प्राथमिक में, जूनियर में, हर जगह ये लागू होगी। तो क्या इससे बीएड और बीटीसी या डीएलएड साथियों के लिए बुरी खबर होगी? क्या अब आने वाली भविष्य में शिक्षक भर्ती का आयोजन सरकार नहीं कराना चाहती है? आखिर शिक्षक साथियों की जो भर्ती शुरू की गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है योगी सरकार का? तो अगर आप पूरे मुद्दे से प्रभावित है, प्राथमिक की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की ऑथेंटिक और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला, किस प्रदेश में, किस जिले में, किस तरीके से ये वैकेंसी का आगाज किया गया है, ये आपको एक एक मामला समझाते हैं। डियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर्षदीय स्कूलों में शिक्षक साथी के चयन के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। अब देख लीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो डियर, ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बहराइच में ये जारी की गई है नियुक्ति। आप देख पा रहे हैं बहराइच में आज ही का डेट का ये न्यूज है, 21/10/2022 को ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, पिछले दो दिन पहले। और कहीं ना कहीं इसमें जो पद हैं, ये आप देख पा रहे हैं, शिक्षक साथी विज्ञान शिक्षा, हिंदी शिक्षा, अंग्रेजी, सामाजिक, गणित, ये सभी के पद हैं। और जो इसमें मेन रीजन है वो यही बताया गया है, जो चयन और अहर्ता का रीजन है वो ये है कि उच्च या प्राथमिक या विद्यालयों में कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रहा हो, जो रिटायर्ड टीचर हैं कम से कम 5 साल पढ़ाए हों। और दूसरी, सेवानिवृत्ति होने से 70 वर्ष यानी कि 62 में रिटायरमेंट है, तो 8 साल के लिए इस शिक्षक भर्ती का आयोजन सरकार कराना चाहती है। ये पर्षदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा विद्यालयों में ये सभी जगह लिए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे इंटरव्यू भी हैं और कहीं ना कहीं जो इसमें भत्ते की बात की गई है वो 2500 रुपए है। अब कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि 2500 में टीचर ये नौकरी करेंगे। जी हाँ, मैं बता दूं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जो नौकरी है ये कहीं ना कहीं एक ऊपर की लेवल की है। वेतन मान जरूर इसका कम है, लेकिन जो वैकेंसियां होंगी वो कई मायने में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ साथियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर, इस भर्ती के बाद प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आएगी, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती को यह वैकेंसी प्रभावित करती है? तो आइए बिल्कुल सिलसिलेवार एक एक पॉइंट समझा देते हैं आपको। देखिए, जो ये भर्ती की जा रही है शिक्षक साथियों की, ये पढ़ाने के लिए नहीं की जा रही है। इसलिए इसका पहली बात बता दें कि टीचर वैकेंसी से या प्राथमिक में जो शिक्षक भर्ती होनी जा रही, भर्ती होगी, उससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात बता दें, जो शिक्षक साथियों का मेन रीजन होगा, इन्हें किस उद्देश्य से रखा जा रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं एक जो टीचर होते हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, उनके ऊपर का एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कंट्रोलर के रूप में इनकी भूमिकाएं होंगी। ये चेक करेंगे कि MDM यानी कि मिड डे मील की गुणवत्ता कैसी है, और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, सामान है, लाइब्रेरियन है इत्यादि का जो सही तरीके से समुचित प्रयोग है छात्रों के द्वारा, वो टीचर करा पाते हैं या नहीं करा पा रहे हैं, इन सबको जो मोटिवेशनल का काम है, किस तरीके से कौन सी चीज़ को लागू करवाना है विद्यालय में, उसके लिए शिक्षक साथियों की भर्ती की जा रही है। लाइब्रेरियन में, पुस्तकालयों में कैसी कैसी पुस्तकें रखनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कौन से, किस प्रकार से नए जो है आविष्कार के माध्यम से हमें जो है हस्तशिल्प कला को कैसे विकसित करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, ये सब इन शिक्षक साथियों का काम है, ना कि इनका काम पोलियो में ड्यूटी लगवाना या चुनाव में कोई ड्यूटी करना, ऐसा कोई काम नहीं है। और सुन लीजिए, जब ये ऐसी ऊपर एक शासन बैठाया जाएगा, जैसे इनके इनके ऊपर BEO होगा जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, और उसके बाद सेकंड पर शिक्षक साथी माने जाएंगे, और तीसरे नंबर पायदान पर स्वयं टीचर आएगा। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत साथी सोच रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती इससे प्रभावित होगी। मैं आपको बता दूं, इससे प्राथमिक शिक्षक भर्ती किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही है। शिक्षक साथियों का चयन कराना सरकार का कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल है, और जो धांधलियाँ हो रही हैं आए दिन आप देखते हैं कि किसी मिड डे मील में कि पक रही छिपकली पक गई, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उन सब में सुचितापूर्ण और सतर्कता के साथ कार्रवाई कराने के लिए ये शिक्षक साथियों की एक भर्ती सरकार द्वारा निकाली गई है, जिसका आगाज कई जिलों से शुरू भी कर दिया गया है, और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ये भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होगी। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किसी भी प्रकार से ये बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है। आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे
रहे थे कि सर क्या नई शिक्षक भर्ती में ये व्यवधान है, अब नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, इसी तर्ज पर टीचर रखे जाएंगे, जब इनका 70 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा 8 साल तो फिर नए रिटायरमेंट होंगे, इस तरह यह प्रोसेस चलता रहेगा। जी हाँ, प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन इनका जो कार्य है वो इनका कार्य किसी भी प्रकार से पढ़ाने का नहीं है विद्यालय में, नोट डाउन कर लीजिए, ये पढ़ाएंगे नहीं बल्कि ये टीचरों को प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप इस आधार से ऐसे इस एंगल से बच्चे को पढ़ाएंगे इस तरीके से, तो वो ज़्यादा जो है खोजबीन कर पाएंगे किस तरीके से विद्यालय में खेलने की क्या समुचित व्यवस्थाएं हैं, खेलने संबंधित बैट गेंद फुटबॉल खो खो कबड्डी कैसे क्या प्रतिपादित कराना है, इन सब की जानकारी शिक्षक साथी अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के माध्यम से जो है अवगत कराएंगे और टीचर जो है उन नियमों को अपने विद्यालय में उपस्थित छात्रों पर लागू करवाएंगे। तो शिक्षक साथियों की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्राथमिक या पर्षदीय स्कूलों में जो टीचर हैं उनको लगातार प्रशिक्षण रत कराने के लिए है। इसमें माइक्रो टीचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, शिक्षक साथी जो है वो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से लेक्चर के माध्यम से टीचर और छात्रों को दोनों को कुछ ऐसे गुर जरूर बताएंगे जिससे उनका जो माइंड है डेवलपमेंट है कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता रहे। तो शिक्षक साथियों की भर्ती से किसी भी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। आप इस संदर्भ में इधर उधर की कोई वीडियो ना देखिएगा, मैं एकदम स्पष्ट आपको कह दे रहा हूँ शिक्षक साथियों की भर्ती से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई व्यवधान नहीं पड़ने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की बेहतरीन अपडेट आपको देते रहेंगे, फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइस।